जय हिंद दोस्तों, मैं आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये जो प्रोग्राम है 3 to 4 मिनट्स, बेसिकली हम आपको करंट अफेयर्स से अवेयर कराते हैं और बीच में मोटिवेशन और लीडरशिप के कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे यू आर वाइजर देन व्हाट यू वर अर्लियर। आज हम बात करेंगे एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है हमारे इंडिया में, और वो है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो अभी कुछ दिन पहले हमारी गवर्नमेंट ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ये मंजूरी दे दी है कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसको 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट जो है उसको दिए जाएंगे, और उसके लिए ऑर्डर जो है HAL को दे दिया गया है। अभी ये जो 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर टोटल 48,000 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन ये जो हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी है, जो टेक्नोलॉजी की कहानी है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। अदरवाइज हम लोग बाहर के कंट्री से ही अपने एयरक्राफ्ट, टैंक्स, मिसाइल्स वगैरह बनाते थे। मिसाइल्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली और हम दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं। अभी तेजस की अगर हम बात करते हैं, ये जो एयरक्राफ्ट बना है अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये 40 के करीब का ऑर्डर इनको पहले दिया था, उसमें से 34 जो हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बना के रख दिए हैं, और अभी जो 83 का ऑर्डर आया है ये तकरीबन 2024-2025 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसकी जो कहानी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1983 में, जब ये गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, और बेसिकली उस समय इसका बनाने का मकसद ये था कि हमारा जो एजिंग फ्लीट है मिग्स का, मिग 21, मिग 23, मिग 27, उनको आस्ते आस्ते रिप्लेस किया जा सके। इस समय हमारा जो थ्रेट है वो डबल थ्रेट है, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों इकट्ठे होके भारत पे आक्रमण करने की सोच रहे हैं, और कुछ हद तक उसका जो नमूना है वो हम देख रहे हैं अभी लेह लद्दाख के अंदर। 1983 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, प्रोटोटाइप 18 साल बाद आया 2001 में, और अभी इस समय हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारे पास जो नेसेसिटी है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाडन, वो तकरीबन 42 स्क्वाडन की हमें ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 26 या 27 स्क्वाडन है। और ये जब हम बात करते हैं 83 एयरक्राफ्ट्स की, तो इससे हमारे 4 या 5 स्क्वाडन और बन जाएंगे। राफेल हमारे पास पहुंच चुके हैं, आने वाले 1-2 साल में उसके भी 2 स्क्वाडन बन जाएंगे, तो भारत इस काबिल हो जाएगा कि हम अपनी जो आकाश की सीमाएं हैं उनकी भरपूर तरीके से उसकी हिफाजत कर सकें, और दुश्मन को भी ये डर लगे कि वो हमारे ऊपर खामखा अटैक करने की ना सोचे। अभी तेजस जो है एक बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है, इसकी टेक्निकलिटी के बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इससे मैं अगर हम बात करें कि इसके मुकाबले में जो प्लेन है वो है JF-17। ये चाइना अपना, उनका भी ये मेन स्टे है, और पाकिस्तान आर्मी के साथ वो मिलके और उन्होंने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया हुआ है जिसके अंदर वो JF-17 को बना रहे हैं। अभी हर लिहाज से अगर हम बात करें, एवियोनिक्स की हम बात करें, सीलिंग की हम बात करें, मन्यूवरेबिलिटी की हम बात करें, लाइट वेट की हम बात करें, कि उनकी जो रडार्स हैं, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज जो हमारे मिसाइल दागने की क्षमता है, तो उसमें हम JF-17 के मुकाबले में खड़े हैं, उनसे आगे हैं। और इस समय ये जो तेजस बन रहा है ये बेसिकली ऑफेंसिव रोल के लिए यूज़ किया जाएगा, और उसके लिए ये बहुत ही मुफीद किस्म का वेपनरी प्लेटफॉर्म है, और आने वाले समय में जब ये तेजस मार्क 2 बनाएंगे तो उस समय हमारी जो क्षमता है मीडियम कैटेगरी या मीडियम वेट एयरक्राफ्ट की वो भी पूरी हो जाएगी,
और उस समय ये भी सिचुएशन शुरू हो सकती है कि हम बाहर के देशों को ये अपने एयरक्राफ्ट देना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी जो हिट चल रही थी वो ये थी कि हम जब हमने अपनी एयरफोर्स के अंदर ही तेजस को इंडक्ट नहीं किया है, तो जो दूसरे देश थे वो इसको खरीदारी में संकोच कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हमारी डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो तेजस है वो एक बढ़िया तरीके से इसका निर्माण होगा, हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे और उसके अलावा जो बाकी देश हैं उनको भी ये चीज़ सप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।